आप सभी का गवर्नमेंट जॉब्स चैनल में स्वागत है। जॉब्स एडमिट कार्ड रिजल्ट एक्सेट्रा के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेंट्रल एम्यूनिशन डिपोट पुलगांव रिक्रूटमेंट के बारे में, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और क्या इसमें एज लिमिटेशन रहेगी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। सेंट्रल एम्यूनिशन डिपोट पुलगांव ने सेंट्रल एम्यूनिशन डिपोट पुलगांव रिक्रूटमेंट रिलीज़ किया है। इसमें टोटल 236 वैकेंसीज है कैजुअल वर्कर्स की पोस्ट के लिए, और जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं वो 29 अक्टूबर 2018 को फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 100 मीटर की रनिंग रहेगी 29 अक्टूबर को 50 मार्क्स के लिए, और फॉर ग्रास कटिंग और क्लियरेंस ऑफ स्ट्रप में 50 मार्क्स, फॉर लोडिंग एंड मूवमेंट ऑफ AMN और एक्सपर्ट्स में 50 मार्क्स। आइए देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 5th क्लास पास होना चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स के साथ, और इसमें एज लिमिटेशन है मोर देन 18 ईयर्स। इसमें अप्लाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कैंडिडेट्स को पहले इस नोटिफिकेशन को क्लियरली पढ़ना होगा, उसके बाद जो कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड और एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट सेल्फ रिटेन एप्लीकेशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट का वेन्यू है सेंट्रल एम्यूनिशन डिपोट पुलगांव एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स गेट। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।